हफ्ते में होते हैं 7 दिन, अगर 7ों दिन आपको नई स्मार्टवॉच पहनने को मिले तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मेरे पास एक ऐसी वॉच आई है जिसमें आपको मिलने वाले हैं 7 स्ट्रैप्स, वो भी सिर्फ बताऊंगा। पहले पूरी वीडियो देखो तभी तो पैसा मिलेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो चलिए फिर इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। काट देना। सो गाइस, कुछ इस टाइप का बॉक्स आता है इसका, चलिए फटाफट इसे ओपन कर लेते हैं। तो यार, जैसे ही बॉक्स ओपन होता है कुछ इतना मटेरियल आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। बाय द वे, सबसे पहले हमें देखने को मिलती है एक यूजर मैनुअल जो कि सर्दियों के मौसम में आग तापने के काम आएगी। इसके अलावा मिल जाता है ये वायरलेस चार्जिंग केबल जो आपकी वॉच को अराउंड 2 घंटे में पूरा चार्ज कर देगा। वही वॉच को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसपेरेंट केस भी दिया गया है जो क्वालिटी वाइज डिसेंट है। अब स्ट्रैप्स पर नजर डाले तो यहाँ पर हमें डिफरेंट कलर में बहुत सारे स्ट्रैप्स दिए गए हैं, और अगर मैं इस मेटेलिक स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करूँ तो भाई क्वालिटी काफी बढ़िया है। बट इस एल्पाइन लूप की क्वालिटी मुझे बहुत ही चीप लगी, लेकिन ये ग्रीन कलर के ओशियन लूप स्ट्रैप्स मुझे लुकिंग और टेक्चर के मामले में बहुत ही अच्छे लगे। इसके अलावा ये सिल्वर कलर में भी ओशियन लूप दिया गया है, एंड सबसे अच्छी चीज नाइक एडिशन में भी स्ट्रैप्स प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी आखिर में ये क्रीमी कलर के सिल्कन स्ट्रैप्स भी मिल जाते हैं। अब नजर डाल लेते हैं इसके मेन डायलर पर। तो भाई देखो, जिस प्राइस सेक्शन में ये वॉच आती है उस हिसाब से मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक लगी। वहीं इस वॉच की पूरी फिनिशिंग भी आपको सेम एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह मिलेगी, क्योंकि इसका साइज प्रॉपर ओजी वॉच जैसा है। प्लस इसमें इनबिल्ड स्क्रूज भी प्रोवाइड किए गए हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैप लॉकर भी जो इसमें वर्क करता है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं इसकी आउटर बॉडी पर। तो इस साइड पर हमें दिया गया है क्राउन बटन जो कि वर्किंग है, मिडिल में एक छोटा सा माइक भी मिल जाता है, देन ये पावर बटन और बैक साइड में कुछ सेंसर्स भी मिल जाते हैं। वहीं इस कॉर्नर पर एक स्पीकर वेंट दी गई है और एक एक्शन बटन भी। इसी बात पर इसे ऑन भी कर लेते हैं। सो इसे ऑन करने के लिए आपको इसके पावर बटन का कुछ सेकंड्स तक होल्ड करना होगा। वहीं कुछ बंदों के दिमाग में ये आ रहा होगा, क्या हम इस वॉच में एप्पल लोगो लगा सकते हैं? तो हाँ भाई, आप इसमें लगा सकते हो। देन ये जो इसकी डिस्प्ले कॉर्नर्स है, यहाँ पर आपको थोड़े बहुत बेजल्स भी नोटिफाई होंगे, सो इनके साथ तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बात रही इसके डिस्प्ले एंड रेजोल्यूशन की, तो इस वॉच के साथ हमें दिया गया है 2 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले, वो भी 400 nits की हाई ब्राइटनेस के साथ, बट ये पीक सनलाइट में उतनी ज्यादा विजिबल नहीं रहती। बट हाँ, ये वॉच IP67 रेटिंग के साथ जरूर आती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँ तो इसे पानी से दूरी रखना क्योंकि ये एक क्लोन है। वहीं एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि इस वॉच के साथ हमें एयरपॉड्स प्रो की कॉपी भी मिल जाती है जो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आएगी। बाय द वे, इसके बॉक्स में आपको मिल जाएगी एक चार्जिंग केबल एंड बर्ड्स को लटकाने के लिए छोटा सा इक्विपमेंट। बाय द वे, देखा जाए तो ये एयरपोर्ट्स आपको मार्केट में अराउंड 300 से 400 की रेंज में मिल जाएंगे, बट लोकल मार्केट से बेटर क्वालिटी मुझे ये वाली लगी। वीडियो में आगे बढ़े, सो इस वॉच के साथ हमें दिया जाता है 8 इनबिल्ट वॉच फेसेस, लेकिन इनमें से कुछ में आपको अलग अलग तरह की कलर ग्रेडिंग्स भी मिल जाएगी। एंड अगर आप इसे एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करते हो तो आप 100 से भी ज्यादा फ्री वॉच फेसेस का मजा उठा पाओगे, प्लस अपना पर्सनल वॉच फेस भी लगा सकते हो। देन अब मेन्यू बार के फीचर्स पर नजर डाल ले, तो यहाँ सबसे पहला फीचर हमें दिया गया है ब्लूटूथ ऑन ऑफ करने का। इसके अलावा आप यहीं से ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर पाओगे, म्यूजिक भी सुन सकते हो। वहीं डिस्प्ले को डाउन से आप स्क्रॉल करने पर इसका नोटिफिकेशन बार ओपन हो जाएगा। बट एक चीज ने मुझे डिसअपॉइंट किया, वो है इसके पिक्सल्स ने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पिक्सल्स थोड़े और बेटर होने चाहिए थे, बट कोई नहीं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। वहीं ये जो आप एक्शन बटन देख पा रहे हो, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जितने भी स्पोर्ट्स मोड इस वॉच में है वो सभी शो हो जाएंगे। बाय द वे, स्मूथनेस और क्राउन कंट्रोल्स की बात कर ले तो भाई दोनों ही मुझे डिसेंट लगे, क्योंकि यार आप खुद सोचो ना कि अगर इतने सारे स्ट्रैप्स वॉच के साथ दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वॉच के फीचर्स में थोड़ी कटौती की गई होगी, ऐसा मुझे लगा था। बट वैसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज इस वॉच के क्राउन एंड टच कंट्रोल्स प्रॉपरली वर्क करते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत के। और बात रही मेन्यू स्टाइल्स की, तो यार इस वॉच के साथ हमें दिए गए हैं 6 इनबिल्ट मेन्यू स्टाइल्स, एंड इसका बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया है, क्योंकि एक चार्ज पर ये वॉच अराउंड 3 से 4 दिनों तक इजिली चल जाती है। ये तो थे इसके बेसिक फीचर्स। अब नजर डाल लेते हैं इसके कुछ मेन फीचर्स पर, जहां सबसे पहला फीचर हमें दिया गया है नोटिफिकेशन चेक करने का। देन सेकंड वाले ऑप्शन के थ्रू आप कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हो, प्लस कॉन्टेक्ट्स को भी सेव कर पाओगे, वो भी वॉच में। एंड वैसे तो वॉच में 50 से भी ज्यादा इनबिल्ट स्पोर्ट्स मोड है, बट यार एक भी आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि भाई 5000 से नीचे की किसी भी वॉच में आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं मिलने वाली। एंड अगर आपको फिटनेस को ट्रैक करने के लिए कोई चीज चाहिए तो आप प्रेफर कर सकते हो
स्मार्ट बैंड्स को, क्योंकि भाई ये जो बजट रेंज वाली वॉचेस है ना, इनमें से आपको किसी में भी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं मिलने वाली। चाहे कोई ब्रांड हो या फिर क्लोन, कोई भी आपको इस प्राइस पॉइंट पर ये सारे फीचर्स नहीं प्रोवाइड कर सकता। इन सीरियस बातों को साइड करके वीडियो में आगे बढ़े, तो अगर आपको इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो इस वाले QR को स्कैन कर लेना, एंड अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो उसे गिनने के लिए कैलकुलेटर भी यूज कर लेना। बाकी इस बेरुखी दुनिया में आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप अपनी बातें सुना सकते हो सीरी को। और सबसे एक्साइटिंग चीज मुझे ये लगी कि इस वॉच में भाई गेम भी है, जिसका नेम है फ्लैपी बर्ड, और आपको इसे कुछ इस टाइप से खेलना है। अलावा आप चाहो तो अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस दी गई है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो, एंड आप ऑल ओवर द वर्ल्ड में से किसी भी कंट्री का टाइम जोन भी इस वॉच में सेट कर पाओगे। देखो भाई, हम तो इंडियन है सो हम इंडियन ही सिलेक्ट करेंगे। एंड एक चीज और अच्छी है कि ड्रेनिंग का भी फीचर दिया गया है, जिसके जरिए आप वॉच के अंदर के पानी को बाहर निकाल सकते हो जस्ट शेक करके। इसके अलावा वेकअप गेस्चर, पावर सेविंग मोड और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इस वॉच में पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। लेकिन आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप इसमें छुपाओगे क्या। ऑलराइट दोस्तों, अब आप ये देखो कि सभी स्ट्रैप्स को वॉच में वियर करने के बाद ओवरऑल लुकिंग कैसी आती है, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से आपका फेवरेट स्ट्रैप्स कौन सा है। कर लेते हैं इस वॉच का म्यूजिक साउंड टेस्ट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस वॉच की साउंड क्वालिटी कैसी है, जिसके लिए मैं अपनी साउंड को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लूंगा। गैस करो गाइज, इस वॉच का प्राइस कितना हो सकता है? 150 रुपया देगा। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ भाई, आपको इसकी प्राइसिंग पड़ने वाली है 2500 रुपए। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इसकी प्राइसिंग इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इस वॉच के साथ आपको TWS भी मिल रहे हैं, प्लस 7 स्ट्रैप्स भी। एंड अगर आप इस वॉच को बाय करने में इंटरेस्टेड हो सो आप इसे बाय कर सकते हो जोन अल्फा से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट सोच समझ के परचेज करना क्योंकि ये क्लोन वॉच है और मैं क्लोन वॉचेस को प्रेफर नहीं करता। लेकिन आप इस वॉच को एज अ फैशन बाय कर सकते हो, अगर आप मेडिकल यूज के लिए कर रहे हो तो मत ही करना। एंड अगर और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।